गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 2, ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस। इट मीन्स दादाजी ने अपना चश्मा खो दिया। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सी आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस, ग्रैंडपा सेड डेस्परेटली। ग्रैंडपा यानी ग्रैंडफादर बहुत दुख से कहते हैं कि देखो मेरे चश्मा जो है मेरा टूट चुका है। ओ नो प्रॉब्लम ग्रैंडपा, सैड बाला। बाला यानी उनकी पोती कहती है दादाजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी वेल जस्ट गो एंड गेट देम फिक्स्ड। हम जाएंगे और इसे ठीक करवा के ले आएंगे। द ऑप्टिशियन शॉप क्लोज अर्ली एंड इट इज संडे टमोरो। वो क्या कहती हैं कि जो चश्मा सही करने वाले की दुकान जो है शॉप जल्दी बंद हो जाती है, क्लोज जल्दी बंद होती है, और अगले दिन जो है संडे है। आई शैल हैव टू गो विदाउट रीडिंग फॉर 2 days, सेड ग्रैंडपा एंग्जियसली। ग्रैंडपा कहते हैं उसके कि अब मुझे 2 दिन तक मैं नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि अभी दुकान जो है बंद हो जाएगी और अगले दिन दुकान खुलेगी नहीं, तो मैं 2 दिन तक क्या करूँगा। क्योंकि वो तो बहुत ही उन्हें हैबिट थी रीडिंग करने की और कुछ ना कुछ लिखने की। बाला टुक द ग्लासेस इन हर हैंड्स। बाला जो है उनकी पोती ग्लासेस को चश्मे को अपने हाथ में लेती है एंड इंस्पेक्टेड देम केयरफुली, और उन्हें ध्यान से देखती है कि क्या किया जा सकता है, उनसे कैसे काम चला सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं काम चलाने के लिए। ग्रैंडपा आई हैव वे आउट। वो कहती है अपने ग्रैंडफादर से मेरे पास एक आइडिया है, ये एक तरीका है। शी स्ट्राइक्ड एट एज सी रेन आउट ऑफ द रूम। वो तेज़ी से ही बाकी अपने कमरे में जाती है रूम में। शी ब्रॉट 2 shoelaces एंड टाइड देम टू आइदर साइड ऑफ द ग्लासेस। वो एक शू लेस लेके आती है, यानी जूते में जो रिबन टाइप का होता है बांधने के लिए, वो लेके आती है और टाइड उन्हें एक दूसरे से अच्छी तरह से बांध देती है। शी देन फिक्स द ग्लासेस ऑन ग्रैंडपास ईयर, और ग्रैंडपा के कानों पे उसे फिक्स कर देती है, यानी वो धागे से उनको जो शू लेसेस होती हैं उनसे बांध देती है। ग्रैंडपा वाज हैप्पी। ग्रैंडपा बड़े खुश होते हैं देख के कि चलिए टेम्प्ररी ही सही, थोड़ी देर के लिए वो पढ़ तो पाएंगे। ही थैंक्ड बाला एंड प्रोमिस्ड हर ए न्यू स्टोरी। वो बाला को थैंक बोलते हैं और कहते हैं और उससे प्रोमिस करते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें एक नई स्टोरी सुनाऊंगा। बाला बेंट अवे, बाला वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट, बट ग्रैंडपा वाज नॉट कम्फर्टेबल। लेकिन ग्रैंडपा जो है कम्फर्टेबल नहीं थे, यानी वो धागा बांध तो गई वो बच्ची, छोटी बच्ची, लेकिन उन्हें अच्छा सही से वो नहीं लगा पा रहे थे उसको चश्मे को, क्योंकि वो धागे से प्रॉब्लम हो रही थी। द ग्लासेस केप्ट कमिंग डाउन एंड ही हैड टू कीप वन हैंड बिजी होल्डिंग इट। वो बार बार जो चश्मा जो था उनका नीचे आ जाता था और उनको एक हाथ उसमें बिजी रखना पड़ रहा था उसको पकड़ने के लिए। इट डिस्टर्ब हर रीडिंग, जिससे उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। ही कॉल्ड बाला अगेन एंड नरेटेड द प्रॉब्लम टू हर। दोबारा से वो बाला को बुलाते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, बार बार जो प्रॉब्लम हो रही है कि चश्मा नीचे आ जाता है और मैं ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो उसको बाला को बताते हैं। बाला हेल्ड द ग्लासेज इन हर हैंड एंड कंटेम्पलेटेड फॉर अ वाइल। अब वो चश्मा अपने हाथ में लेती है, फिर से दोबारा से एक मिनट के लिए कुछ सोचने लगती है कुछ कि अब इसका क्या किया जाए, कुछ और इसमें किया जाए जिससे कि इन्हें जो दादाजी को प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक आई कैन हेल्प। वो कहती है कि ठीक है मुझे लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सैड शी एंड रैन आउट। वो कहती है और बाहर जाती है। शी वॉज बैक इन ए मोमेंट विद पापाज हैट। वो एक मिनट के बाद वापस आती है और अपनी फादर की हैट लेके आती है। शी फिक्स द ग्लासेस ऑन द हैट। वो जो चश्मे को क्या करती है वो हैट के अंदर फिक्स कर देती है, चश्मे को हैट के अंदर फिक्स कर देती है। विद नीडल एंड थ्रेड, किसके साथ, सुई धागे से उसमें फिक्स कर देती है। ग्रैंडपा वोर द ग्लासेस हैट। अब क्या करते हैं वो, कैसे चश्मा पहनते हैं, ग्लासेस हैट, हैट वाला चश्मा। ही वॉज बेटर एबल टू रीड नाउ। अब वो पहले से अच्छे से पढ़ पा रहे थे, अब उन्हें कम प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट, बालाज रोजी चीक्स, ही किस्ड ऑन बालाज रोजी चीक्स एंड सेड। वो बाला के पिंक चीक्स पर अपनी पोती के किस करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। बालाज रोजी चीक्स एंड सेड मे गॉड ब्लेस यू, कि गॉड तुम्हें हमेशा ब्लेस करे या आशीर्वाद दे या तुम्हें हमेशा खुश रखे। सो
I have completed this chapter today. Next day, I will provide you work of this chapter through PDF.